Touchdown confirmed. विश्व के अनेक देशों की अंतरिक्ष एजेंसियां और अंतरिक्ष के क्षेत्र में काम करने वाली प्राइवेट कंपनियां लंबे समय से इंसानों को अंतरिक्ष में बसाने की संभावना तलाशने में लगे हैं। पृथ्वी से परे अन्य ग्रहों पर बसने के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण है। मंगल ग्रह पर इस पानी की तलाश लंबे समय से चल रही है। वहां पानी की मौजूदगी के सबूत भी मिले हैं। नासा के एक रिटायर्ड इनसाइट मिशन के डाटा से मंगल ग्रह की सतह के नीचे पानी के एक अंडरग्राउंड सोर्स का खुलासा हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मंगल ग्रह की सतह के बीच में चट्टानों की छोटी दरारों और छेदों में इतना पानी हो सकता है कि वो ग्रह की सतह पर मौजूद महासागरों को भर दे। स्टडी में पाया गया कि ये पानी मंगल ग्रह के पूरे एरिया को 1.6 किलोमीटर की गहराई तक भर सकता है। ये डेटा नासा के इनसाइट लैंडर से लिया गया है, जिसने 2018 से लेकर 2022 तक मंगल ग्रह के अंदरूनी हिस्सों का अध्ययन किया है। सोमवार को प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज नाम की पत्रिका में छपे अध्ययन के अनुसार मंगल ग्रह की खोज करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को पानी तक पहुंचने की कोशिश करने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का ये स्रोत मंगल की ऊपरी लेयर यानी क्रस्ट में 11.5 से 20 किलोमीटर की गहराई में है। लैंडर से मिले डेटा ने मंगल ग्रह की सबसे बाहरी परत ग्रह की पपड़ी में मैग्मा या लावा के ठंडा होने और जमने से बनी टूटी हुई चट्टानों के भीतर तरल अवस्था में पानी के भंडार का संकेत दिया है। पत्रिका में छपे लेख के राइटर ने कहा कि एक मध्य पपड़ी जिसकी चट्टानें टूटी हुई हैं और तरल पानी से भरी हुई हैं, वो भूकंपी और गुरुत्वाकर्षण डेटा दोनों के बारे में जानकारी देती है। पानी दरारों के भीतर मौजूद है। एक अन्य वैज्ञानिक ने कहा कि जलवायु सतह और आंतरिक भाग के विकास को समझने के लिए मंगल ग्रह के जलचक्र को समझना महत्वपूर्ण है कि पानी कहां है और कितना है। नासा के अन्य मिशनों द्वारा अध्ययन किए गए एक ऑर्बिटर द्वारा देखे गए प्राचीन झीलों, नदी चैनलों, डेल्टा और चट्टानों के आधार पर मंगल अरबों साल पहले एक गर्म और गीला स्थान था, लेकिन इस ग्रह ने 3 अरब साल से भी पहले अपना वायुमंडल खो दिया। इससे मंगल पर गीलापन समाप्त हो गया। अब नए नतीजों से पता चलता है कि मंगल पर पानी ग्रह की पपड़ी के नीचे तक फिल्टर हो गया। इनसाइट ने मंगल ग्रह की पपड़ी की मोटाई और इसके मेंटल के तापमान के साथ साथ कोर और वायुमंडल की गहराई और संरचना के बारे में बेहतरीन डेटा इकट्ठा किया। लैंडर के सिस्मोमीटर ने दूसरे ग्रह पर पहले भूकंप का पता लगाया, क्योंकि भूकंप तब आते हैं जब टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, हिलती हैं और घिसती हैं। मंगल ग्रह पर भी उसकी पपड़ी एक विशाल प्लेट की तरह है जिसमें दरारें हैं, क्योंकि ग्रह समय के साथ सिकुड़ता और ठंडा होता रहता है। जैसे जैसे ग्रह की पपड़ी फैलती है उसमें दरारें पड़ती हैं। इनसाइट का सिस्मोमीटर सैकड़ों और हजारों मील दूर से 1300 से ज्यादा मंगल ग्रह के भूकंपों का पता लगाने में सक्षम था। इनसाइट के डेटा का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर यात्रा करते समय भूकंपों की गति का अध्ययन करने में सक्षम थे, जो इस बात का संकेत हो सकता है कि मंगल की सतह के नीचे कौन से पदार्थ मौजूद हैं। एक वैज्ञानिक ने कहा कि भूकंपीय तरंगों की गति इस बात पर निर्भर करती है कि चट्टान किस चीज से बनी है, उसमें दरारें कहां हैं और उन दरारों को कौन भरता है। वैज्ञानिकों की टीम ने जब इस डेटा के जरिए पता लगाया तो उन्हें मंगल ग्रह पर तरल पानी से भरी हुई जगह के संकेत मिले हैं। ये संकेत इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने की उम्मीद के लिहाज से बहुत अच्छे हैं, लेकिन ग्रह पर मानव जीवन के अनुकूल माहौल की तलाश में अभी और समय लगेगा। आपको बता दें कि नासा ने पहली बार साल 1964 में मंगल ग्रह पर मिशन मैरिनर 4 भेजा था। इसके बाद नासा ने मंगल ग्रह से जुड़ी जानकारी के लिए एक के बाद एक कई मिशन भेजे। हर मिशन से मिले डेटा के आधार पर अगले मंगल मिशन को और अधिक तैयारियों और पेलोड के साथ भेजा जाता था, जिससे कि ग्रह पर मानव जीवन के अनुकूल वातावरण के लिए
ज्यादा से ज्यादा उपयोगी डेटा इकट्ठा किया जा सके और उनके अध्ययन के आधार पर ठोस नतीजे पर पहुंचने में मदद मिले।